उत्तराखंड में मानसूनी कहर से अभी प्रदेश वासियों को राहत नहीं मिलने वाली है, क्योंकि मौसम विभाग ने एक बार फिर चेतावनी जारी कर दी। उत्तराखंड के 5 जिलों के लिए 26 और 27 के लिए कहीं कहीं अत्यंत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया। बाकी जिलों में 29 जुलाई तक लगातार ऑरेंज अलर्ट किया गया। अगले कुछ दिन राज्य के लिए संवेदनशील रहने वाला है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। जिस तरह से मानसून से उत्तराखंड के पहाड़ से लेकर मैदान तक तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसको देखते हुए एक बार फिर मौसम की चेतावनी से लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उत्तराखंड में मानसून का कहर जिस तरह से बरस रहा है, उसमें अभी लोगों को राहत मिलने वाली नहीं, क्योंकि एक बार फिर मौसम कहर बरपाने को तैयार है। उत्तराखंड के पहाड़ जिस तरीके से दरक रहे हैं, लगातार भूस्खलन, सैकड़ों सड़कें बंद है, कई लोग अपनी जान तक गंवा चुके हैं। ऐसे में मौसम विभाग ने फिर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, पौड़ी, देहरादून जिले में अत्यंत भारी बारिश की संभावना है। बाकी जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट रहेगा। 27 को पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, पौड़ी, देहरादून में अत्यंत भारी बारिश का रेड अलर्ट रहेगा। अन्य जिलों में बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट रहेगा। 28 को उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, पिथौरागढ़ में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश, तीव्र बौछार होने की संभावना है। 29 को भी इन्हीं 6 जिलों में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश का तीव्र बौछारें संभावना है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार संवेदनशील इलाकों में चट्टान गिरने, भूस्खलन, सड़कों में मलबा आने, निचले इलाकों में जल भराव हो सकता है। मौसम की चेतावनी के मद्देनजर सभी लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है और यदि अत्यधिक आवश्यक न हो तो यात्रा करने से भी बचने की जरूरत है। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह, निदेशक मौसम केंद्र देहरादून से। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 26 जुलाई हो गई है, तो 26 से लेकर 30 तारीख तक की जो फोरकास्ट है 5 दिन के लिए, उसमें आप देखेंगे कि जो ज़्यादातर दिन है उसमें अच्छी बारिश है पूरे प्रदेश में। जो हल्की से मध्यम बारिश है वो अधिकांश जगहों में मिलेगी और साथ में जो हैवी या वेरी हैवी रेन्स है वो भी देखने को मिलेगी कहीं कहीं पर। तो उसमें अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें विशेषकर, तो उसमें नैनीताल है, चंपावत है, पिथौरागढ़, बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट जो कुमाऊं रीजन के हैं उनमें आपको ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी जहाँ पर कि कहीं कहीं पर भारी बारिश है या बहुत भारी बारिश उनमें देखने को मिलेगी। साथ ही गढ़वाल रीजन की भी बात करें तो उसमें उत्तरकाशी है, टेहरी है या देहरादून है, पौड़ी है, तो ये डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे रहेंगे जिसमें हैवी रेन या वेरी हैवी रेन इक्का दुक्का जगहों में वो मिलती रहेगी इस दौरान जो 4 से 5 दिन जिसकी फोरकास्ट है। इसके अलावा जो प्लेन्स के डिस्ट्रिक्ट है तो उनमें तो ज़्यादा संभावना नहीं है, पर फिर भी एक दो दिन ऐसा रहेगा 28 से 29 में, ये दो दिन ऐसे होंगे कि जिसमें हरिद्वार या उधम सिंह नगर भी हैं तो उनमें भी भारी बारिश की संभावना उन दिनों खासकर बनती है। अन्य डिस्ट्रिक्ट अंदर के, चाहे वो चमोली है या फिर रुद्रप्रयाग है, तो उनमें भी आप देखेंगे कि जो 28-29 तारीख को खासकर देखें तो उसमें ज़्यादा संभावना है कि हैवी रेन्स, वेरी हैवी रेन्स उनमें भी मिलने की संभावना बनती है। तो आप देखेंगे जो 4 से 5 दिन का समय है इसमें लगातार बारिश है, तो उसकी वजह से जो भूस्खलन वाली जो चीज़ें देखने को मिलती है खासकर अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स जिसमें कि उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग या बागेश्वर है, तो इनमें जो लैंडस्लाइड वाली या भूस्खलन वाली जो चीज़ें हैं वो आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगी। साथ ही जो और भी हमारे हिल्स वाले डिस्ट्रिक्ट हैं तो जो वल्नरेबल जगह उनकी है तो उनमें भी जो लैंडस्लाइड वाली स्थिति है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। जो नदियां हैं उनमें भी जल स्तर बढ़ेगा ग्रेजुअली, तो जो लोग हैं ऐसी जगहों में रह रहे हैं, छोटी नदियों के आसपास रह रहे हैं, तो उनको भी जो है सतर्क रहना पड़ेगा कि जिससे कहीं कटाव वाली स्थिति बने तो वो उसकी चपेट में, दुर्घटना की चपेट में ना आने पाए। साथ ही जो ऊपर हिल्स में बारिश होगी तो अल्टीमेटली वो सारा जो पानी है नीचे आएगा, तो आप देखेंगे कि जो हमारे प्लेन्स वाले एरियाज भी है, लो लाइंग एरियाज है, तो उनमें कहीं ना कहीं जल भराव की स्थिति वो 2-3 दिन बाद आप देखेंगे वो बनेगी। करीब आप ये कह सकते हैं 28-29 को जो है, जो हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट है, चाहे हमारा जो है उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट है, तो उनके जो लो लाइंग एरियाज है तो उनमें कहीं ना कहीं जलभराव वाली स्थिति देखने को मिलेगी 28-29 के आसपास जो है। तो यही कहूँगा कि लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है, बारिश अच्छी है इन 4 से 5 दिनों में, अपना ध्यान रखना जरूरी है और साथ में प्रशासन के साथ सहयोग करें जहाँ पर प्रशासन आपको कोई दिशा निर्देश देता है तो उसको आप फॉलो करें जो है। तो यही मैं कहना चाहूँगा। नमस्कार।